फिलिस्तीन और इसराइल के बीच लगातार जंग जारी है। इसी बीच देश के हरियाणा राज्य से एक अहम खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसराइल में हरियाणा से 10,000 लोगों को भेजा जा रहा है और यह 10,000 लोग इसराइल की मदद करेंगे। आखिर किस तरीके से हरियाणा के 10,000 लोग इसराइल की मदद करेंगे इस युद्ध के समय में, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। इसराइल हमास जंग के बीच इसराइली सरकार ने भारत से 1,00,000 कामगारों की मांग की थी। पिछले महीने इसराइली बिल्डर्स एसोसिएशन ने कहा था कि उसके अधिकारी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसराइल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 25% फिलिस्तीनी नागरिक काम करते थे, लेकिन जंग के बाद करीब 1,00,000 फिलिस्तीनियों को देश से बाहर कर दिया गया। इस बीच हरियाणा सरकार इसराइल में नौकरी करने के लिए 10,000 कामगारों को इसराइल भेजेगी। सरकार ने इसके लिए भर्ती भी निकाल दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने भर्ती निकालते हुए कहा कि हरियाणा सरकार इसराइल में 10,000 लोगों को नौकरी देना चाहती है। भर्ती नियमों के मुताबिक इस नौकरी के लिए न्यूनतम पात्रता 10वीं है। वहीं कैंडिडेट की उम्र 25 से 54 साल के बीच होनी चाहिए। इन कामगारों की सैलरी 6119 होगी, यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक 1,34,000 रुपए। हरियाणा सरकार के विज्ञापन के मुताबिक कामगारों के फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर और आयरन बेंडिंग काम आना चाहिए। इसके अलावा दीवारों और फर्श पर टाइल्स लगाने आने चाहिए। नौकरी देने से पहले कामगारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। कंपनी ने कामगारों के अंग्रेजी बोलना अनिवार्य नहीं किया है। यानी जो लोग हिंदी बोलते हैं वो भी इसराइल जाकर अच्छी सैलरी पर नौकरी कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के विज्ञापन के मुताबिक कामगारों को मेडिकल इंश्योरेंस, रहने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसके लिए कामगारों को अपनी जेब से पैसा देना होगा। सैलरी के तौर पर मिलने वाला पैसा कामगार के अकाउंट में जमा होगा और तभी दिया जाएगा जब अनुबंध पूरा हो जाएगा। इस दौरान कामगार को पैसे का ब्याज भी दिया जाएगा। इस नौकरी के लिए हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी विज्ञापन के मुताबिक नौकरी पाने के लिए व्यक्ति का पहचान पत्र हरियाणा का ही होना चाहिए, तभी उसे इसराइल में जाकर नौकरी करने का मौका मिलेगा और इसके जरिए इसराइल में 10,000 लोगों को हरियाणा की सरकार भेजने जा रही है। हरियाणा सरकार के इस फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।